सोचो कि आपको 30 इंच मोटे पाइप ने अपने अंदर खींच लिया हो, एक ऐसा पाइप जो कि क्रूड ऑयल से भरा हुआ है, वो भी समुन्दर में 30 फीट नीचे। कुछ ऐसा ही हुआ था इन 5 बंदों के साथ। रूटीन मेंटेनेंस करते समय इन्हें पता भी नहीं चला आखिर इनके साथ हुआ क्या। जब तक इन्हें पता चला तब तक ये सभी लोग एक क्रूड ऑयल पाइप के अंदर थे। इस भयानक इंसिडेंट का वीडियो जब सामने आया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल इन 5 वर्कर्स में एक वर्कर के साथ गोप्रो कैमरा लगा हुआ था जिसने ये सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लिया, और इन 5 बंदों में से अकेला क्रिस्टोफर ही था जो बच पाया, बाकी सभी लोग मारे गए। इस दर्दनाक इंसिडेंट की फुटेज हम आपको आगे दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। यदि आपको घुटन भरी जगहों में जाने से डर लगता है या क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो ये वीडियो ना ही देखें। बात है 25 फरवरी 2022 की। ये 5 वर्कर्स जिनके नाम थे कजीम अली जूनियर, यूसुफ हेनरी, फैजाल कुर्बान, ऋषि नगसार और क्रिस्टोफर बूद्रम एक नॉर्मल डे की तरह रूटीन मेंटेनेंस काम पर थे। लेकिन भला इन्हें क्या पता कि आज का दिन इनका आखिरी दिन होगा। केवल क्रिस्टोफर बूद्रम ही अकेला वर्कर था जो इस इंसिडेंट में बच पाया। ये सभी लोग अपने रूटीन मेंटेनेंस की तरह आज भी काम पर थे, लेकिन आज इनका काम था हैबिटेट बेल में जाकर बर्थ 6 पाइप को एयर के जरिए पानी से सेपरेट करना और एयर प्लग खोलना। ये एक यू शेप पाइप है जो कि काफी समय से बंद पड़ा हुआ था, जिसमें एक तरफ बर्थ 5 और दूसरी तरफ बर्थ 6। बर्थ 5 जो कि समुन्दर की तरफ होता है, बेसिकली बर्थ 5 के अंदर ऑयल शिप से क्रूड ऑयल अनलोड किया जाता है। वहीं दूसरी ओर बर्थ 6 जो कि रिफाइनरी की साइड होता है, जहां से क्रूड ऑयल रिफाइनरी में जाता है और फिर इससे क्रूड ऑयल से केरोसिन ऑयल, पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। अब सभी वर्कर्स इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए रेडी थे। हैबिटेट बेल को भी फिक्स कर दिया गया। हैबिटेट बेल जो कि 8 फीट बाय 8 फीट का होता है, जिसके अंदर एयर प्रेशर बनता है। ये बॉक्स पानी के अंदर एयर क्रिएट कर प्रेशर से पानी को निकाल कर एक स्पेस बनाता है, जिससे कि वर्कर इस हैबिटेट बेल में खड़े होकर अपने मेंटेनेंस काम को अंजाम दे सके। ये कुछ इसी तरह काम करता है जैसे कि एक ग्लास को उल्टा कर बकेट के अंदर डालना। जैसे कि ग्लास में पानी नहीं भरता, ये सभी इस खाली स्पेस में अपना रूटीन वर्क परफॉर्म करने के लिए रेडी थे। सेफ्टी पर्पस के लिए सभी एयर प्लग्स भी पूरी तरह टाइट थे ताकि हाइड्रोकार्बन गैस बाहर ना आ सके। अब लोग इस हैबिटेट बेल के अंदर थे, हैबिटेट बेल के अंदर काम करने के लिए स्पेस भी बन चुका था। तभी बारी थी एयर प्लग निकालने की। अब जैसे ही एयर प्लग को खोला जाता है, एक अजीब और भयानक एयर प्रेशर बनता है जो कि इन सभी लोगों को एक झटके में पाइप के अंदर 120 फीट दूर पर ले जाकर पटक देता है। इन सभी को पता ही नहीं चला आखिर हमारे साथ ये क्या हुआ, लेकिन किस्मत ने इनका साथ दिया। पाइप सीधा ना होने की वजह से ये लोग एक बेंड पार्ट में अटक गए। पाइप के अंदर ऑयल कम था, जिससे पाइप के अंदर लो डेंसिटी वाली एयर मौजूद थी। जब ये लोग एयर प्लग ओपन कर रहे थे, उसी समय इस लो एयर डेंसिटी के साथ हाई डेंसिटी वाली एयर मिक्स हो जाती है, जिससे इस पाइप के अंदर भयानक प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि इतना तेज होता है कि इन सभी को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे इनकी हड्डियां भी टूट जाती हैं। अब ये लोग उस बेंड पाइप में अटके हुए थे। ऐसे में इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ ये क्या हुआ। अब ऐसे में ये लोग यदि बर्थ 5 की तरफ मूव करते तो वहां इनकी मौत थी, क्योंकि वो समुन्दर की तरफ था जहां जाना खतरे से खाली नहीं था। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं हमें अपने हेड की तरफ मूव करना चाहिए। अब ये लोग बर्थ 6 की तरफ मूव करते हैं, लेकिन बर्थ 6 की तरफ जाना आसान नहीं था क्योंकि पाइप के अंदर काफी बेंड्स थे, जिससे कि बर्थ 6 की तरफ से निकलना भी जोखिम भरा काम था। लेकिन क्रिस्टोफर और कजिम डिसाइड करते हैं हम लोग सबसे पहले जाते हैं और फिर बाकी सभी के लिए मदद भेजेंगे। अब दोनों चलते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। ऐसे में कुछ आगे ये लोग क्रूड ऑयल से पूरी तरह भरे हुए पाइप में भी फंस सकते थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। इन्हें कुछ दूर जाने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर इनसे टकराता है, लेकिन पाइप में अंधेरा होने की वजह से इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इस सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन है। अब तक कजीम अली की हालत खराब हो चुकी थी, उनकी हड्डियां टूट चुकी थी। अब यहां से क्रिस्टोफर अकेले ही आगे जाता है। थोड़ा आगे जाते समय एक और सिलेंडर क्रिस्टोफर से टकराता है। ऐसे में क्रिस्टोफर जहां खुश था वहीं परेशान भी, क्योंकि उन्हें क्रूड ऑयल से भरे पाइप में समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिलेंडर को लगाना कैसे है। लेकिन क्रिस्टोफर जैसे तैसे उस सिलेंडर की ऑक्सीजन पाइप को लगा लेते हैं।
तभी वो जैसे ही अपना मुंह खोलता है क्रूड ऑयल अंदर चला जाता है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक क्रूड ऑयल जो कि कितना खतरनाक होता है उसका मुंह में चले जाना कितनी भयानक सिचुएशन थी। अब क्रिस्टोफर कुछ घंटों बाद आगे बढ़ता है। क्रिस्टोफर वर्टिकल पाइप में टॉप की तरफ जा रहा था, तभी मालूम पड़ता है कि पाइप में ऑयल का लेवल कम था जिससे क्रिस्टोफर खुद को टॉप तक एक्सेस नहीं कर पा रहा था। अब उसे टेंशन भी थी कि मैं बर्थ 5 पर पहुंचा हूं या बर्थ 6 पर, क्योंकि बर्थ 5 पहुंचने का मतलब जान गंवाना था, क्योंकि बर्थ 5 जो कि समुंदर की साइड था और बर्थ 5 पूरी तरह सील भी था। किस्मत अच्छी थी कि क्रिस्टोफर बर्थ 6 की तरफ ही था। तभी क्रिस्टोफर तेज तेज से पाइप को ठोकने लगता है और आवाज मारता है। तभी कुछ बाहर खड़े हुए रेस्क्यू टीम में बंदे आवाज सुन लेते हैं, जो कि तुरंत एक चेन डालते हैं और क्रिस्टोफर को बाहर निकाल लिया जाता है। अब क्रिस्टोफर को फर्स्ट एड दिया जाता है, लेकिन क्रिस्टोफर परेशान था अपने दोस्तों को लेकर। क्रिस्टोफर रेस्क्यू टीम को बोलता है, जल्दी करो, मेरे चार दोस्त अभी भी इस पाइपलाइन में फंसे हुए हैं, उन्हें बचा लीजिए। लेकिन कंपनी के पास इनफ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे जिससे कि ज्यादा समय के लिए किसी भी रेस्क्यूअर को नीचे भेजा जा सके। कंपनी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती थी, ऐसे में ये लोग तड़प तड़प कर उसी पाइप के अंदर दम तोड़ देते हैं। ये एक लास्ट मोमेंट की फुटेज है जिसमें साफ सुना जा सकता है कि ये लोग किस तरह पाइप को ठोक रहे थे, कैसे हेल्प के लिए तड़प रहे थे, लेकिन पारिया नाम की कंपनी ने किस तरह इन वर्कर्स को पाइप के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आपकी इस इंसिडेंट पर क्या राय है? आखिर इन लोगों को किस तरह बचाया जा सकता था? अपना सजेशन कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, इसी तरह की एक रोमांचक और दुखद कहानी है एमी मारिया की, जिन्हें एडवेंचर का जुनून था, लेकिन यही जुनून उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। अगर आपने उनकी कहानी अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें और जाने कैसे उनका शौक उनकी आखिरी यात्रा बन गया। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।